इनका जन्म खूबी देवी एवं जोग ध्यान ठाकुर के घर 5 मई 1965 को कुल्लू जिला के शालंग में हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इनकी धर्म पत्नी इंदिरा ठाकुर एवं 2 बेटे हैं। यह बागवानी एवं होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। इन्होंने वर्ष 1985-86 में हिमसा चंडीगढ़ के संगठन सचिव के रूप में कार्य किया। इसके उपरांत वर्ष 1989 से 91 तक हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष, 1991 में पंचायत समिति सदस्य, वर्ष 1991 से 94 तक पंचायत समिति कुल्लू के अध्यक्ष, वर्ष 1994 से 99 तक जिला परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 2009 से 12 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के राज्य प्रतिनिधि तथा वर्ष 2012 से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव पद पर रहे। इन्होंने वर्ष 2003 से 8 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वर्ष 2013 से 17 तक हिमाचल प्रदेश खेल परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। सुंदर सिंह ठाकुर दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए बतौर विधायक चुने गए और जनरल डेवलपमेंट एंड सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के सदस्य रहे। दिसंबर 2022 में यह 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक के रूप में चुने गए। यह सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहे हैं और सक्रिय रक्तदाता भी हैं। भ्रमण के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानना समझना इनकी अभिरुचि में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का और सभी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमें ये अहम जिम्मेवारी इस कम उम्र में दी है और राज्य का सबसे युवा विधायक के साथ साथ अब युवा कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज एक नया दायित्व सौंपा है और हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई को आगे रखते हुए कार्य करेंगे। चुनावों के समय में बहुत सी बातें हमने प्रदेश के लोगों से करी है, आने वाले समय में उसका निर्वहन करने के लिए जो हमसे हो सकेगा उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे सरकार के मार्फत, चाहे विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए, मुख्यमंत्री जी से अपील करने के लिए, और जो भी हमसे हो सका, जो भी जिम्मेवारी हमको आने वाले समय में जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हैं उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। सर, कोई प्राथमिकता रही सबसे पहले तो दिल्ली की हाईकमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का और हमारे यहाँ के नौजवान पक्की शीट, हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और मुकेश अग्निहोत्री का और यहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह का बड़ा सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जो है वो लोगों की सेवा करने का मौका दिया। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है, आप किस तरह से संतुलन देखते हैं, चाहे सीपीएस के रूप में चाहे मंत्रियों के रूप में? देखिए, अभी हमारे 7 मंत्रियों ने जो है वो शब्द ली है, अभी और भी गुंजाइश है, तो अभी तो ये विस्तार चलता रहता है, तो इंशाल्लाह जो भी जिनको भी अभी शब्द लाई गई है सब नौजवान हैं, अच्छे लोग हैं, 4-4, 5-5 बार विधानसभा में आए हैं और निष्ठा से, ईमानदारी से काम करेंगे और हम चाहते हैं कि जो बदली हुई परिस्थितियों में हैं उसमें हम लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं और उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है वो काम करना चाहते हैं। सर, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला बनाया गया है, तो आपको लगता है कांगड़ा को दरकिनार किया जा रहा है अभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी अभी आगे का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जो है वो हमने पूरी है, ऐसी कोई निराशा की बात नहीं। आपको मंत्री बनाया गया है, इस तरह की प्राथमिकता रहने वाली है, कुल्ला जिले से है, बागवानी क्षेत्र है? जी जी जी, बाकी तो प्राथमिकता मैं समझता हूँ जिसके अनुरूप आपकी पोर्टफोलियो का बंटन होगा उसके अनुरूप होगी,
और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो बागवानी भवन की बात हो या अन्य पोर्टफोलियो की बात होगी, समान दृष्टिकोण के साथ हिमाचल प्रदेश का विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ प्रधान जी। बागवानों का मुद्दा जी 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 पराक्रम जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, उनका सपना था कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया के रूप में मैं समझता हूँ विकसित करना है। उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। बागवानी कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 90% हिमाचल प्रदेश का जो व्यक्ति है वो मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। हमारी आत्मा हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। हमारी प्राथमिकता कृषि क्षेत्र होगा, बागवानी क्षेत्र होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा। धन्यवाद। देखिए, किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो उनका पूरा ध्यान उस अपने क्षेत्र की क्षेत्रवासियों का, वहाँ के विकास पर और वहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर जो मूलभूत सुविधाओं से आरंभ करते हैं। हमें जितना भी हमारा अधोसंरचना है इसको ऊपर उठाना होगा। अधोसंरचना में मेरा मतलब कि जहाँ तक हम सड़क ले जा सके ज़रूर ले जानी है, जहाँ रोप वे बन सकता है वहाँ रोप वे बनाने, ताकि वो अधोसंरचना अगर अच्छी प्रकार से हमारी एक हो जाए योजनाबद्ध तरीके से, तो मैं समझता हूँ हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को आगे ले जाना चाहते हैं, गांव के पर्यटन को आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ से भोले भाले लोगों की जो यहाँ की उनकी नाटियाँ हैं, व्यंजन बनाते हैं, इन सबको हम एक अच्छे मैं समझता हूँ प्रोफेशनलाइज वे में बनलाएँ, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बनाएँ जिसे बच्चों को तैयार करें और वो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आगे बढ़ें कि उन्हें किसी भी प्रकार को यह ना सोचना पड़े कि हम हमारे पास काम है या नहीं। ये हमारी प्राथमिकता सरकार की पहली होनी होगी, ऐसा मेरा मानना है।